जब छींक आती है तो अच्छी तो वो विक्स या फिर उसके जैसी कोई दवा लगाकर अपना काम बना लेते हैं। मगर जब इंडिया में किसी को छींक आती है अच्छी तो वो सोचते हैं अब क्या करूं मैं जल्दी से। माय गॉड अब मैं क्या करूं, मैं तो परीक्षा देने जा रही थी, एग्जाम, इसका मतलब एग्जाम गंदा होगा, मेरे को तो छींक आ गई, अब कोई एग्जाम देने का मतलब नहीं है, मैं नहीं दे रही एग्जाम। अमेरिका में जब किसी को हिचकी आती है तो वो पानी पीकर अपना काम बना लेते हैं। मगर जब इंडिया में किसी को हिचकी आती है तो वो सोचते हैं अरे यार लगता है वही याद कर रहे हैं मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड, और कौन याद करेगा, मैं इतने दिनों से स्कूल भी नहीं गई और हमारे स्कूल वैसे भी बंद है, वो लॉकडाउन है, इसका मतलब वही याद करिए, पक्का मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। अमेरिका में जब किसी को कुछ खाते वक्त जीभ कट जाती है तो वो दवाई ले लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं जिनसे उनका दर्द खत्म हो जाता है। मगर जब इंडिया में किसी को कोई चीज खाते वक्त जीभ कट जाती है तो वो सोचते हैं कौन कर रहा मेरी चुगली, उसकी वजह से मेरी जीभ कट गई। अब बताती हूँ, हाँ आज वो सुमित्रा ही होगी, उससे मेरा झगड़ा भी हुआ था, अभी बताती हूँ उसके घर जाके, हाँ मेरी जीभ कट गई उसकी वजह से। अमेरिका में जब किसी की आँख फड़कती है तो लगता है मैंने आज इतनी नींद ली नहीं, मेरे को नींद की जरूरत है, हाँ चलो सो जाती हूँ। मगर इंडिया में जब किसी की आँख फड़कती है तो वो सोचते हैं मेरी आँख फड़क गई, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ अशुभ होने वाला है, मेरी आँख फड़क गई, ओ माय गॉड अब क्या करूँ, कुछ अशुभ होने वाला, मगर क्या, हे भगवान ये क्या?